भूषण ज्वेलर्स सोलन की ओर से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जो संस्कृति के प्रति हमारे मन में एक भावना होनी चाहिए गर्व की, वो आनी शुरू हो जाएगी आपके, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो कितने बड़े साइंटिस्ट थे। हंस है वाहन सरस्वती का। हंस कौन होता है? आपने सुना होगा कि हंस के बारे में कहा जाता है कि वो दूध में से, पानी में से दूध को अलग कर सकता है। दुनिया के अनेकों देशों में करीब 75,000 से अधिक लोगों को टेंशन फ्री रहने का उपाय बता चुके डॉक्टर अरुण भारद्वाज अब हिमाचल के लोगों को यह गुर सिखाएंगे। इसके लिए जल्द ही डॉक्टर भारद्वाज द्वारा प्रदेश के कोने कोने में विशेष प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सोलन में पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर अरुण भारद्वाज ने कहा कि वह देश के कई राज्यों सहित अनेकों देशों में हैप्पीनेस पर कार्यक्रम कर चुके हैं, लेकिन अब वह प्रदेश के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। बता दें कि डॉक्टर भारद्वाज सोलन में जन्मे हैं और वह स्कूल से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, इसके बाद से वह बेंगलुरु में रह रहे हैं। मैं उन पेरेंट्स से सिर्फ एक प्रश्न पूछता हूं, आप अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं? और मैं भी एक पेरेंट हूं, मुझे पता है आपके आपका आंसर होगा, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने और खुश रहें। मैं चाहता हूं ये बात वो हमेशा याद रखें, मैथमेटिक्स में 100 नंबर लेके आना या नहीं लेके आना वो ज़रूरी नहीं है कि उन्हें खुश करे जीवन। और हम लोगों को एक डेफिनेशन बदलनी होगी। हम लोग अपने बच्चों को बताते हैं कि सक्सेस का ऑपोजिट फेलियर है। सक्सेस का ऑपोजिट फेलियर नहीं है, फेलियर जो है वो पार्ट ऑफ सक्सेस है। और आपके बच्चों में ज़रूरी नहीं है कि जो आप चाहते हैं वही गुण हो। हो सकता है आपका बच्चा अच्छा खेलता हो, अच्छी वॉइस है, अच्छा सिंगर बन सकता हो, अच्छा वक्ता बन सकता हो। अब हमारा ज़माना नहीं रहा कि डॉक्टर और इंजीनियर ही बनानी है, इतने सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। मेरा पेरेंट्स से निवेदन है, ये देखिए कि आपके बच्चे में कौन सी खूबी है और उस खूबी को बढ़ाने के लिए आप फोकस कीजिए, ना कि जो आप चाहते हैं वो बनाने के लिए बच्चों को फोकस। सी, हम लोग क्या करते हैं, यूजली बाहर से हम मैसेजेस गिरेंगे कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों के मन में पहले जागरूकता लाने की ज़रूरत है। जैसे कि हम कहते हैं कि हेलमेट नहीं पहनोगे तो चलान कर देंगे, सीट बेल्ट नहीं पहनोगे तो चलान कर दोगे, लेकिन पहले ये तो जागरूकता लाएं लोगों में कि हेलमेट पहनना आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरत है, इसमें प्रशासन का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, और सीट बेल्ट आपके लिए ज़रूरत है। नशा क्यों नहीं करना चाहिए, पहले उनके मन में ये विचार आना चाहिए कि ये मेरे लिए क्यों ख़राब है। तो एक तो ये तो सिर्फ नशे की बात होगी, लेकिन दूसरा इस प्रोग्राम का एक ये भी उद्देश्य है कि हिमाचल में टैलेंट की कमी नहीं है। मैं भी हिमाचल से पढ़ा हूँ, हिंदी स्कूल से पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, टैलेंट की हमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन सही समय पे सही इन्फॉर्मेशन हम तक नहीं पहुँच पाई। तो इस प्रोग्राम का ये भी उद्देश्य रहेगा कि हिमाचल के गाँव में, गाँव तक हम बच्चों तक पहुँच सकें, यूथ तक पहुँच सकें, और उनको पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं उनके जीवन में, क्या क्या कहाँ कहाँ से वो चेंजेस ला सकते हैं और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज उनके लिए है, उनसे भी उनको अवगत करा सकते हैं। अभी तक आप कितने देशों में? दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए सोलन से जय ठाकुर के साथ सुरेंद्र ममटा की रिपोर्ट। भूषण ज्वेलर्स सोलन, पारंपरिक एवं आधुनिक आभूषणों का वो नाम जो आपके गहनों के साथ लेकर आता है बहुत सारे आकर्षक इनाम। भूषण ज्वेलर्स सोलन एक बार फिर से लेकर आया है स्वर्ण समृद्धि योजना। भूषण ज्वेलर्स में खरीदारी पर पहला इनाम 2.5 लाख के आभूषण, जबकि दो भाग्यशाली विजेताओं को दुबई टूर पर जाने का अवसर मिलेगा। योजना के तहत मिलेंगे कुल 101 इनाम, जिनमें 3 एक्टिवा स्कूटर, 5 एलईडी टीवी 32 इंच, 5 वॉशिंग मशीन, 15 ट्रॉली बैग, 15 डिनर सेट, 15 इंडक्शन, 15 क्विल्ट सेट व 15 स्टीम प्रेस। भूषण ज्वेलर्स गुणवत्ता व बेहतरीन सर्विसेज की बदौलत ग्राहकों की पहली पसंद, साथ ही ग्राहकों को हो रहा अपनेपन का एहसास। डायमंड की खरीद पर 40% की छूट। स्वर्ण समृद्धि 10 सितंबर से 14 दिसंबर तक। लाजवाब है भूषण के आभूषण। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता बताते हैं कि चाहे स्वर्ण आभूषण हो, हीरे या फिर चांदी के आभूषण, भूषण ज्वेलर्स में आकर्षक व आधुनिक डिजाइन का विस्तृत रेंज उपलब्ध है। यही कारण है कि बहुत कम समय में प्रदेश के नामी ज्वेलर्स में शुमार हो गए। तो आज ही चले आइए भूषण ज्वेलर्स।